स्प्रिंग रोल की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूँ। वेजिटेबल चिकन स्प्रिंग रोल का इसको नाम दे दिया है। टेस्टफुल बनेंगे, कमाल के तैयार होंगे, जायकेदार बनेंगे। स्प्रिंग रोल तैयार करने के लिए हमें किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, किन बातों का ध्यान करना पड़ेगा कि हमारे स्प्रिंग रोल ऐसे तैयार हों कि उंगलियां चाटने पे आपके घर वाले मजबूर हो जाएं। सबसे पहले हमने स्प्रिंग रोल तैयार करने के लिए ध्यान करना है, जो वेजिटेबल हमने लिए हैं वो इस तरीके से लंबाई में कटी होनी चाहिए, बारीक कटी होनी चाहिए। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने चिकन था हमारे पास, हमने इसको बॉइल कर लिया। ये हमारे पास 200 ग्राम चिकन था बोनलेस, हमने बॉइल करके इस तरीके से इसको रेशे तैयार कर लिए। और ये बंद गोभी थी हमारे पास 150 ग्राम, इसको भी हमने इस तरीके से देखे बारीक काट लिया। अगर आप इसको चॉपर में चॉप करेंगे शिमला मिर्च को या गाजरों को तो ये पानी छोड़ देंगी, फिर ये आपके स्प्रिंग रोल जो है वो टेस्टफुल नहीं बनेंगे। सबसे पहले हमने इसके साथ एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के शामिल करेंगे, ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम चॉप किया हुआ लहसुन अदरक, चॉप किया हुआ पेस्ट नहीं है ये बात ध्यान में रहे, 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा, 1 मिनट के लिए इसको इस तरीके से फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद जब हमारा लहसुन अदरक थोड़ा सा इस तरीके से सोते हो गया, इस टाइम पे आके 2 शिमला मिर्चें जो हमने बारीक काटी हुई थी इसमें शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च थोड़ी सी हार्ड होती है, पहले इसको हम इसकी भुनाई करेंगे लहसुन अदरक के साथ 1 मिनट के लिए तकरीबन। ठीक हो गया, ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए, उसके बाद मिलते हैं। अच्छा जी, शिमला मिर्च थोड़ी सी हार्ड होती है मैंने बताया, इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया, नरम कर लिया, फ्लेम मीडियम है। 2 अदद गाजरें थी हमारे पास इस तरीके से कटी हुई, ये देखें इस तरीके से आपने इसमें शामिल कर देनी है। और हमारे पास ये बंद गोभी थी, ये इस तरीके से मैंने आपको इसका वज़न बताया था 150 ग्राम थी, इसमें शामिल कर देंगे। साथ में ये बॉयल हुआ हुआ रेशेदार चिकन जो मैंने आपको बताया था ये शामिल कर देंगे, कोई मसला नहीं है। साथ में इसके अंदर हम शामिल करेंगे चिल्ली सॉस, 1 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे। ठीक हो गया। सोया सॉस 1 टेबल स्पून शामिल कर देंगे इस तरीके से, और साथ में चिल्ली, गार्लिक, टमाटो, केचप, ठीक हो गया, 2 टेबलस्पून ये शामिल कर देंगे। आहा हा हा, सुभान अल्लाह, हैं शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ मिर्चें थी 3 अदद चॉप की हुई, ये शामिल कर देंगे। अब इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से सब तमाम वेजिटेबल की भुनाई कर लेंगे। अच्छा, इसकी भुनाई करते करते मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि अगर आपके पास चिल्ली सॉस या सोया सॉस नहीं है तो आप चिल्ली, गार्लिक, जो टमाटो केचप होते हैं आपके पास घर में मौजूद, तो आप ये भी डाल सकते हैं खाली, कोई मसला नहीं है, इन 2 चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से सब्जियों की हमने भुनाई कर ली और सब्जियां हमारी नरम हो चुकी हैं। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। हम इसके अंदर 1 टीस्पून भर के नमक का शामिल कर देंगे, जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, इस तरीके से डाल दिया हमने, इनको सब मिक्स कर देंगे। अच्छा, अब जो लास्ट में बाबा जी ये तैयार हो गया, अजय तैयार नहीं हुआ मेरे भाइयों, जो अहम चीज है, जो कमाल की चीज है, जो इसके टेस्ट को दुबाला करेगी, वो मिसाल हमने अभी डालना है कमाल का। आप कहेंगे कि बाबा जी तुसी तो चस्के पूरे कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें शामिल करने लगे हैं स्प्रिंग रोल का सबसे अहम मिसाला, जो कि है डाशी कंपनी का चिकन पाउडर। ये मेड इन पाकिस्तान है और 100% ये हलाल है, हलाल बैजिंग भी इनके पैकेट के ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मौजूद देखने वालों को ये प्रॉब्लम आती थी कि उनको हलाल चिकन पाउडर नहीं मिलता। इस प्रोडक्ट की जमानत मैं खुद देता हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद इस्तेमाल किया हुआ है, जायकेदार होने के साथ साथ ये हलाल भी है और मेड इन पाकिस्तान भी है। मेरे भाइयों, आप इसको हर तरह के खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इनकी वेबसाइट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ये सामने स्क्रीन पे भी चल रहा है। अभी हम इसको ओपन करने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से यहां से, सुभान अल्लाह, क्या ही बात है, क्या ही बात है। हम ये जो है 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे, खुशबू बड़े कमाल की आ रही है, ये देखने समझ आ रही है, शामिल करेंगे और थोड़ा सा फ्लेम को इस टाइम पे हाई कर देंगे। हाई फ्लेम करके हम चिकन पाउडर को मिक्स करेंगे, जो इसके टेस्ट को दुबाला कर देगा। 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। भुनाई कंप्लीट हो चुकी है, पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है। इससे पहले मैंने इस तरह की खुशबूएं, इस तरह का चिकन पाउडर यूज़ नहीं किया। जब से ये डाशी वालों ने चिकन पाउडर मुतारफ करवाया है और मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने देखने वालों से, मोहब्बत करने वालों से ये बात शेयर कर दूँ। ठीक हो गया। इस टाइम पर आगे फ्लेम को हमने बंद कर दिया,
इसके साथ का हमने एक स्ट्रेनर ले लिया। अब हम ये सब वेजिटेबल और चिकन जो हमने तैयार किया है स्प्रिंग रोल के लिए वो इसमें शामिल कर देंगे स्ट्रेनर में, ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा से जो भी पानी वगैरह होगा वो हमें नहीं चाहिए, हमें अपना जो मटेरियल है वो ड्राई ड्राई चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसकी डो लगाएंगे या आप ऐसे समझे कि घोल तैयार करेंगे, जो इसका ऊपर वाला चिकन रोल का कवर बनाएंगे, रैपिंग कवर जिसको आप लोग कहते हैं, रोटी उसको आप लोग कह सकते हैं, लेकिन वो पतली होगी बहुत ज्यादा। ये आसान तरीके से आपको बताऊंगा, हम अंडे से बना रहे हैं। ठीक हो गया। अगर आप लोगों को अंडा पसंद नहीं है तो फिर आप इसकी जगह पे दूध का यूज करेंगे। ठीक हो गया। मेयरमेंट के लिए एक प्याली कोई भी ले लें आप, मैदे की ले ली, और एक प्याली हमने ले ली कॉर्नफ्लोर की, ये शामिल कर देंगे बराबर इस तरीके से। हम इसके अंदर ये 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 अदद अंडा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इन चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे। ये लें जी, इस तरह मिक्स करके सब चीज़ों को अच्छे तरीके से। अब ये मेरे पास पानी है, पानी भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा कितना लगाना है, लेकिन सबसे पहले हमने इसको बीट करना है। अब बाबा जी बीट किवें करना है? बीट इसलिए करना है कि हमें समूल डो चाहिए, इसके अंदर हमें कुचली वगैरह नहीं चाहिए। हम हल्का सा पानी डालेंगे, इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप जलेबी तैयार नहीं करते, और जलेबी का जब मैदा गूंथते हैं तो उसको आप हाथों की मदद से बीट करते हैं, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस टाइम पे करना है। इसको भी इस तरीके से पानी डाल के मिक्स करेंगे। अगर आप बीट नहीं ना करेंगे उस प्रोसेस से जो मैं बता रहा हूँ, नहीं गुजारेंगे, तो फिर आपकी जो कवर है ऊपर स्प्रिंग रोल का वो अच्छा नहीं बनेगा, ये बात आपके जहन में रहे। ये लें जी, इस टाइम पे आके जब ये इस कंडीशन में हो, अगर आप इसे पतला इसको कर देंगे ना फिलहाल बीट करने से पहले, तो फिर ये बीट नहीं होगा ठीक तरीके से। हमने इसको इस तरह हार्ड हार्ड सख्त सख्त को बीट करना है इस तरीके से, जिस तरीके से हम आपने देखा होगा जलेबियों की डो लगाते हैं तो उसको बीट करते हैं इस तरीके से, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ बन जाए, गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये हम तकरीबन 2 से 2.5 मिनट करेंगे इस तरीके से। अच्छे तरीके से फेंट लिया, बीट कर लिया, जो भी नाम दे लें आप इसको, इस तरीके से देखें ये तार, ये देखें कोई गुठली नहीं है, इस तरीके से हो गया। अब इसके अंदर पानी और शामिल करेंगे, अब इसको पतला कर देंगे। ठीक हो गया। अब अच्छा बाबा जी कितना पतला करना है, कैसे पता लगेगा, मैं अभी बताता हूँ, आसान फार्मूला आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसको इस तरीके से मिक्स करते रहें। इस तरीके से हमने इसके अंदर पानी डाला। अगर आपको 300 ml का पता नहीं चल रहा तो 2 कप जो है चाय वाले हैं वो पानी के जाएंगे। और आप इसको बाबा जी चेक कैसे करेंगे कि डो हमारी परफेक्ट है? एक तो इस तरीके से स्मूथ होनी चाहिए, दूसरा आप अपने नेल के ऊपर डाल के देखें इस तरीके से, अगर आपका नेल नज़र आ रहा है इसके अंदर से तो यूं समझें कि परफेक्ट है, अगर नेल नज़र नहीं आ रहा तो परफेक्ट नहीं है। मेरा नेल नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की सी लेयर है, हमें बारीक और पतली जो है ना ये चाहिए ऊपर वाला स्प्रिंग रोल की जो पट्टी हम तैयार कर रहे हैं। अब ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखें इस तरीके से। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये लें जी, अब हम इसका ऊपर वाला कवर तैयार करने लगे हैं। एक तरीका मैंने आपको बताया था नेल पे डाल के चेक करने का इस तरीके से, दूसरा तरीका ये है कि आप एक रैप एक रोटी बना के देख लें कि परफेक्ट बन रही है कि नहीं बन रही। इसके साथ का एक तवा रख दिया जो 10 इंच की जिसकी पैमाइश है, इस तरीके से हल्का सा ब्रश की मदद से इसको हम ग्रीस करेंगे। ग्रीस, बाबा जी ऑयल क्यों ला रहे हो भाई? ऑयल इसलिए ला रहे हैं कि पहले जो रोटी आप तैयार करेंगे वो ठीक नहीं बनेगी, दोबारा से वो सारी परफेक्ट बनेगी, दम वाला फ्रेम रहेगा। अगर आप इसको मीडियम पे या हाई पे बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा जो रैप है ये ठीक नहीं बनेगा। अच्छा बनाना कैसे है, दम वाला फ्लेम रखना है इस तरीके से, हमने ये अपना घोल उठाना है, बैटर उठाना है इस तरीके से, देखिएगा तवज्जो से इस तरीके से डालना है और इसको इस तरीके से घुमा देना है, एक्स्ट्रा से उतार देना है। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे दम वाले फ्लेम पे रख के इसको कुक करना है और इसकी साइडें इस तरीके से घुमाते रहना है, एक जगह पे सेक नहीं लगने देना, इस तरीके से साइडें घुमाते रहेंगे इस तरीके से, और ये हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा। खुद ये देखें यहाँ से तवे को छोड़ना शुरू कर देगी, पैन को छोड़ना शुरू कर देगी रोटी, और हम प्यार से उठा के इसके ऊपर रख देंगे। लेकिन इसके ऊपर रखने से पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले नीचे जो है एक दूसरे के साथ ये चिपके ना, देखें मेरा हाथ नजर आ रहा है ना, ये कॉर्नफ्लोर हम नीचे डालेंगे इस तरीके से, ये हमने ट्राई की थी वो वाली रोटी है, फिर रखेंगे, फिर ऊपर से कॉर्नफ्लोर डालेंगे, दूसरी रोटी की तैयारी मुकम्मल करेंगे। इस टाइम पे आके आपने 1 से 1.5 मिनट लगा दम वाले फ्लेम पे, यहाँ से जहाँ से हमने इसको निकाला था इसको क्लियर करवा लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया। और आराम से इसको इस तरीके से उठाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे रख देंगे, गर्म है, एहतियात के साथ आपने यहाँ पे रख देनी है इस तरीके से। तमाम रैप कवर मैं इस तरीके से तैयार कर लूंगा, उसके बाद आपसे मिलूंगा। ठीक हो गया। इस टाइम पे आके तमाम रोटियां तैयार हो चुकी हैं, जो ऊपर वाले कवर थे ये देखें कितने पतले हैं, ये मेरा हाथ नजर आ रहा होगा आपको इसमें, ये देखें इस तरीके से इतनी पतली होनी चाहिए, हाथ नजर आना चाहिए, देखिए इस तरीके से। ठीक हो गया। और ये नरम और मुलायम है, टेंशन नहीं लेनी, ये पानी वगैरह एक्स्ट्रा से जो था ये वो ये वाला है ये हमें नहीं चाहिए, ये यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे अपने मटेरियल को। और सब्ज़ धनिया जो है लास्ट में
वो इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको इसकी फिलिंग करने का तरीका समझाने लगा हूँ। सबसे पहले हमने इस तरीके से एक रोटी को उठाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से रख देना है। साइज आप खुद देख लें, छोटा रखना है बड़ा रखना है, ठीक हो गया। लेकिन ये साइज स्प्रिंग रोल जो होता है, क्योंकि उसके अंदर जो सब्जियों की कटाई होती है वो लंबाई में होती है, और ये स्प्रिंग रोल जो है ये बड़ा तैयार होता है, फिर टेस्टफुल बनता है, ठीक हो गया। इस तरीके से हम इसके अंदर मटेरियल लगा देंगे, कोई मसला नहीं है। ये जो हमने जिससे कवर तैयार कर रहे थे ना स्प्रिंग रोल के, उसी का ये बैटर बचा हुआ है, थोड़ा सा हमने बचा लिया। इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस करेंगे इस तरीके से, एक दो हम इसको गुलाई में करके इसको यहाँ पे इस तरीके से अंदर वाली साइड पे, और फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ये देखें इस तरीके से लगा देंगे, ताकि अच्छे तरीके से कहीं से खुले ना, अंदर घी वगैरह ऑयल वगैरह जिसमें हम फ्राई करेंगे वो ना जाए, एयर सील टाइट हो जाए, ठीक हो गया। इस तरीके से करने के बाद अब हमने इसको गोल की शेप देनी है। आपने दोनों हाथों से इस तरीके से कर देना है ये पूरा रोल, जिनके गोल नहीं बनते वो इस तरीके से करें, ये देखें ठीक हो गया। ये नहीं सारे मैं इस तरीके से रेडी कर लूँ, तैयार कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये ना जिस टाइम पे आके हमने यहाँ पे पैन में कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया, इसको मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल करेंगे अपने स्प्रिंग रोल इस तरीके से। मैंने ये एक रोल डाला आपको बताने के लिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है पहले अपना टेम्परेचर अपना सेटिंग देख लें, परफेक्ट ये फ्राई हो रहा है फिर आपने रोल डाल लें, एक दफ़ा चौके सारे नहीं तोड़ देने, गल समझ आ रही है। इस तरीके से देखें, आहा सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा फ्राई हो रहा है इस तरीके से, हल्का हल्का इसके ऊपर कलर लेके आएंगे। अच्छा जी, बहुत प्यारा कलर आया, ये देखें इस तरीके से, और बिल्कुल टेम्परेचर हमारा बिल्कुल फिट था। हमने इसका टेम्परेचर मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म किया, फिर जब ये ऑयल गर्म हो गया फिर हमने थोड़ा सा कम कर दिया 140 पे। अगर आप फ्रायर पे फ्राई कर रहे हैं तो 140 टेम्परेचर रहेगा। इस कलर में हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे, सुभान अल्लाह है, गल समझ आ रही है। अब हमने इसका फ्लेम को थोड़ा सा और कम किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तमाम रोल इस तरीके से डाल देंगे, और हमें इस पे लगे 4 मिनट टोटल, ठीक हो गया। साइड चेंज करते रहे हल्की हल्की, 4 मिनट में ये कलर आ गया गोल्डन गोल्डन सा, और ये फ्राई हो गए इस तरीके से और ये इस तरीके से, ये टोटल हम इस तरीके से फ्राई कर लें, फिर आप सब तमाम रोल अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुके हैं। इस टाइम पे फ्लेम को बंद करके इनको निकालने लगे हैं। आप कलर देखें, ज़्यादा डार्क की तरफ लेके जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते, ठीक हो गया। इन्होंने अभी भी थोड़ा सा कलर चेंज करना है बाहर निकलने के बाद, इस तरीके से माशाल्लाह, और ये इस तरीके से, ठीक हो गया। थोड़ी सी हीट निकल जाए फिर डिश आउट करते हैं। ये लें जी, स्प्रिंग रोल हमारे बिल्कुल रेडी हैं, आप इनके लुक देख सकते हैं, ये देखें सुभान अल्लाह है, गल समझ आ रही है, कितने सोने सोने गोल मटोल पूरे घरों में खुशबुएं। यहाँ पे इस तरीके से डिश आउट करेंगे खूबसूरत तरीके से, इस तरीके से सुभान अल्लाह है, फूल गुलाब दे रखे जा रहे हैं, गल समझ आ रही है। इस तरीके से ऐसे रखेंगे सुभान अल्लाह, और साथ में एक इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। अब बाबा जी उन काट के भी बखा देने हैं, एक आपको काट के दिखाएंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे इस तरीके से काटेंगे, सुभान अल्लाह ये देखें इनकी, इसकी लुक चेक करें आप, देखें हैं यहाँ पे इसको काटने के बाद यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, इस तरह से आपने मेहमान को सर्व करना है, ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पे हल्का सा ये पुदीने का एक पत्ता रख देंगे, फूल पुदीने का, ये देखें कितनी खूबसूरत डिश आउट किए हैं मेरे भाई। अगर आप लोगों को हमारी ये यूनिक सी स्प्रिंग रोल की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।